तो दोस्तों, इस बारे में हम लगातार पहले भी बात करते हुए हैं कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को लगातार स्टॉक मार्केट में लूटा जा रहा है, कैसे उनको खराब कंपनीज में फंसाया जाता है और उससे एक बड़ा प्रॉफिट जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कमाते हैं, और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें ये चीज़ निकल कर आई है कि एक कंपनी हुआ करती है साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, इस कंपनी में पंप एंड डंप का खेल किया गया है जिससे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में फंसाकर प्रमोटर्स निकल गए हैं। अब क्या हुआ है वो हम एग्जैक्टली बात करते हैं कि इस चीज को किया कैसे जाता है। अब इस केस में अरशद वारसी जो एक एक्टर हैं उनका भी नाम आया है, और सेबी ने उनसे जो रिकवरी करेंगे वो अलग करेंगे और 1 साल के लिए उनको जो स्टॉक मार्केट है उससे बैन भी यहां पर किया है। तो अब यहां पर होता क्या है, यहां पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो स्टॉक के बारे में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू भी हो सकता है, ये ट्विटर के थ्रू भी हो सकता है, और आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी भी स्टॉक के बारे में बताया जाता है। आपको बोला जाता है कि ये स्टॉक में एक बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, ऐसे हाइपोथेटिकल टर्म्स यहां पर यूज किए जाते हैं, अनरियलिस्टिक नंबर्स आपको बताए जाते हैं कि प्रॉफिट 1000 गुना हो जाएगा, और ऐसे नंबर्स आपको यहां पर बताए जाते हैं। बोला जाता है कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बनने वाला है, ऐसी बातें यहां पर यूट्यूब चैनल्स पे की जाती है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो नए आए हैं स्टॉक मार्केट में, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो लालच में क्विक प्रॉफिट कमाने के इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अब जब ये लोग इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर 2 चीजें होती हैं। एक तो वो लोग जो ऑलरेडी इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होते हैं जैसे कि प्रोमोटर्स, वो अपना स्टॉक बेचकर निकल जाते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जिनको पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है इस स्टॉक में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एंटर करते हैं, बाय करते हैं और सेल करके एक प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हैं। जैसे इस केस में अरशद वारसी का माना जा रहा है कि 29 लाख रुपीज उन्होंने अपने अकाउंट से ऐसा करके कमाए हैं, 30 लाख रुपीज के अराउंड उनकी वाइफ के अकाउंट से ऐसा करके उन्होंने कमाए हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे रिटेल इन्वेस्टर को स्टॉक में ऊपर के लेवल पे फंसा दिया जाता है, फिर लगातार उस स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगने लगते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स अपना जो पैसा है वो निकाल नहीं पाते। इस केस में क्या हुआ है कि 2 YouTube चैनल थे, मनी वाइज और एक दूसरा दी एडवाइजर नाम से, इन्होंने इस स्टॉक के बारे में अनाप शनाप न्यूज दी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोगों को बताई और उन लोगों को बोला कि बाय करिए और इस स्टॉक में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलेगी, ऐसी बातें यहां पर की गई। और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया गया, सेकेंड स्टेप में प्रोमोटर्स ने शेयर्स को सेल कर दिया और उसके साथ साथ कुछ लोग थे जिन्होंने बाय करके सेल कर दिया, नीचे लेवल पे बाय किया, जब स्टॉक ऊपर गया तो सेल करके प्रॉफिट बनाकर निकल गए। जब इस स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देनी शुरू की थी तो 857 रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें हुआ करते थे, और जैसे ही ये फेक न्यूज़ देने की शुरू की गई यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, 55,000 रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में एंटर कर चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे 55,000 छोटे इन्वेस्टर इस स्टॉक में घुस चुके हैं। आप देखिए दोस्तों, आपको मैं हमेशा एक चीज बोलते हुए चल रहा हूं कि स्टॉक मार्केट क्विक पैसा कमाने का जरिया नहीं है। एक स्टेबल 12-15-20% की रिटर्न भी अगर आप हर साल स्टॉक मार्केट से जनरेट करते हैं तो एक अच्छी खासी रिटर्न है। मल्टी बैगर स्टॉक के लालच में आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, और अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ आती है, अगर आपको पता है, किसी स्टॉक की नॉलेज है, तो ही आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना है। आपको यूट्यूब से जो वीडियोस देखनी है किसी भी स्टॉक की, वो स्टॉक के बारे में देखना है कि ये कंपनी काम क्या करती है, इसके प्रॉफिट्स कैसे हो रहे हैं, इन चीजों को समझना है आपको। कोई भी रिकमेंडेशन के बेस पे अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसा इस स्टॉक में काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ हुआ होगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपको ये चीज बोलते आ रहा हूं कि मार्केट में कोशिश यही की जा रही है अलग अलग तरीके से कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा छीना जाए, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा अपने पास किया जाए, उनको
खराब स्टॉक्स में पैसा लगवाया जाए और उस स्टॉक से निकला जाए। और ये चीज अलग अलग स्टॉक्स में बार बार होती आई है, जिसका एक एग्जाम्पल ये है। तो मैं कोशिश ये वीडियो में ये है कि आप सीखें इससे कि आपको क्विक लालच में स्टॉक मार्केट में एंटर नहीं करना है। एक स्टेबल 12 से 15% की रिटर्न अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में एंटर करने के बारे में सोचिए। अगर इतना आसान होता स्टॉक मार्केट में, कोई यूट्यूब चैनल आपको बता सकता कि कौन सा स्टॉक एक साल में मल्टीबैगर बनना है। अगर इतना आसान स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना होता तो हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर करोड़पति यहां पर बन रहा होता, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। ये रियलिटी है जो ये न्यूज इस वक्त स्टॉक मार्केट की आई है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आपको लंबा स्टॉक मार्केट में टिकना है। किसी भी स्टॉक में किसी के भी कहने पे पैसा नहीं लगाना है। अगर स्टॉक की नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा लगाइए। नॉलेज है, आपको समझ आता है। देखिए, हो सकता है आप किसी स्टॉक में समझकर इन्वेस्ट करें और उसमें आपका पैसा ना भी बने, वो अलग सीन होता है। कभी कभी ये होता है कि स्टॉक ही नहीं चलता, कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे प्रॉफिट ग्रोथ नहीं होती। लेकिन आपको वो चीज़ समझनी है कि ऐसा चीज़ हो सकती है, लेकिन फ्रॉड से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे पंप एंड डंप स्कीम से बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में टिकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।